हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, उम्मीद करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, अपना फर्स्ट ऑफ फरवरी एंड सेकंड ऑफ फरवरी का जो इंट्राडे सीरीज वीडियोस हैं वो मिस हो गया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, मैं बोल सकता हूं यहां पे। लेकिन अब से जो है वो कंटिन्यूस अपनी सीरीज चलती रहेगी, जैसे कि हम डेली यहां पे दो स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं इंट्राडे के, वैसे यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहेंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे ओपलेंट सर्विसेज नाम से एक पेड कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जहाँ पे इंट्राडे कॉल्स हम शेयर करते हैं। और अपना यहाँ पे ओपलेंट सर्विसेज का बैच जो है वो फरवरी मंथ का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं इस सर्विस को ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ मार्च में। और नेक्स्ट मंडे से हम चालू करने वाले हैं डिलीवरी बेस्ड कॉल कॉन्सेप्ट, जहां पे एक नया ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ डिलीवरी के कॉल आएंगे, इंट्राडे ऑप्शन वहां पे चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जो डिलीवरी में काम करना चाहते हैं और इंट्राडे में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे डिलीवरी कॉन्सेप्ट वाले ग्रुप को। तो उसका अनाउंसमेंट जल्दी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की लिंक, उसको ज्वाइन कर ले ग्रुप को। और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो हमारे अदर सब्सक्राइबर के साथ जो भी एक ट्रेडर है, एक इन्वेस्टर है। तो गाइस, कल के स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल यूनिट ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसे जरूर दबा दें। और उसी के पास में आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसे भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, कई लोगों की क्वेरीज थी रिगार्डिंग ग्रो ऐप को लेकर, तो उसकी वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए गाइस, ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगा, सीधे बढ़ेंगे पहले स्टॉक की ओर और देखेंगे कौन सा है कल के लिए पहले नंबर का स्टॉक जो कि हो सकता है खास। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे हमने फर्स्ट नंबर में लिया है एलएनटी। और गाइस, कल हमने एलएनटी पे कॉल भी दिया था, टेलीग्राम पे डिलीवरी कॉल था, जो टारगेट सेम डे हमारा अचीव हो गया था। तो सिमिलरली हम यहां पे इसको ले रहे हैं एलएनटी को एज अ इंट्राडे, क्योंकि वो कॉल हमने डिलीवरी का दिया था। यहां पे इंट्राडे की चर्चा कर रहा हूं, तो टारगेट हो सकता है थोड़ा सा छोटा, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एलएनटी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले दो दिन से। अगर मैं बात करूं फरवरी फर्स्ट, जैसे कि एंटायर मार्केट बुल था, बजट की न्यूज आई थी, जैसे ही बजट अनाउंसमेंट होना चालू हुआ सभी स्टॉक्स में बुल रन देखने को मिला, निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, साथ ही बैंक निफ्टी में बहुत भारी वाला परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। तो उसी के साथ साथ इन स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ फरवरी को अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, अगेन सेकंड ऑफ फरवरी यानी कि आज की अगर ट्रेंड की बात करें तो हल्का सा गैप अप होता है स्टॉक और फिर बहुत अच्छा बुल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है टिल द टाइम ऑफ 10 o'clock। गाइस, अगेन यहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। अब हमको यहां पे रेसिस्टेंस मिल गया है 1592.70 का, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है स्टॉक्स में और साइडवेज चलता है एंटायर डे मार्केट, आप देख सकते हो एलएनटी का। और यहां पे हमें 1523 पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। गाइस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1592 का जो टारगेट है एज अ डिलीवरी, और इंट्राडे के लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। गाइस, साथ ही अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर व्यू की, तो गाइस इंडिकेटर को देखने के बाद भी हमें यहां पे सीधा सीधा बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है। एमएससीडी, आरएसआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50, 20, 100 तीनों की मैं बात कर रहा हूं। एंटायर इंडिकेटर हमें यहां पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एलएनटी में, जिसको देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि एलएनटी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल हम ले सकते हैं। तो गाइस, सीधे बढ़ेंगे इसके इंट्राडे सेटअप की ओर और देखेंगे कौन से गैप में क्या स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ हमें चलना है। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं 3rd February यानी कि कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स में सबसे पहले आपके सामने लगा हुआ है एलएनटी, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1523 रुपीज। टारगेट की अगर बात करूं 1535 हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, यानी कि नियरली 12 पॉइंट्स का टारगेट है। स्टॉप लॉस सिमिलरली 12 पॉइंट का हमने रखा है, यानी कि 1:1 जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है एज यूजुअल हमको लेके चलना है। यहाँ पे इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है डिलीवरी के लिए, मैंने बोला आपको 1595 का टारगेट लेके चल सकते हैं एज अ डिलीवरी। गाइस, मार्केट ने दो दिन से बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है, एक्सपेक्टेशन है मार्केट और भी अच्छा बुल ट्रेंड हमें दिखाए, हो सकता है हल्का सा करेक्शन भी हमें देखने को मिले। तो डिलीवरी में काम करने वाले लोगों को बताऊंगा कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप एज अ डिलीवरी स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। गाइस, अगर बात करें हम अवॉइड रिस्क की, तो अगर स्टॉक सीधा गैप अप होता है 1535 के ऊपर, जैसा कि आज हो गया था गैप अप, तो उस सिनेरियो में हमें स्टॉक में अवॉइड करना है बाइंग लेवल टिल द टाइम ऑफ 10:30। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा 11 तक वेट कर ही लेना, 11 o'clock तक आपको रुकना है, उसके बाद ही आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करना। अदरवाइज आप हमें टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको वहां पे रेस्पॉन्ड करेंगे। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इस नोट को रीड जरूर कर लें। यहाँ पे क्लियर होता है एलएनटी के डेटा, सीधे बढ़ेंगे दूसरे स्टॉक की ओर और देखेंगे कौन सा दूसरे नंबर का स्टॉक जिसको कल हम एज ए इंट्राडे कंसिडर कर पाएंगे। तो जैसा गाइस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सेकंड नंबर का स्टॉक हमने लिया है भारतीय एयरटेल, जो कि हम कल की वीडियो में लेने वाले थे, यानी कि आज जो हमारा ट्रेंड व्यू था वो भारतीय एयरटेल पे अच्छा था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पेड ग्रुप दिखा देता हूं आपको, जहां पे हमने भारतीय एयरटेल पे काम किया था,
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइज, यहाँ पे भारतीय एयरटेल हमने कॉल दिया था सुबह के टाइम पे, जिसका बाइंग लेवल हमने 596 दिया था और टारगेट 601 दिया था। गाइज हमारा टारगेट अचीव हुआ, सेम टाइम हमने यहाँ पे पोस्ट भी किया कि हमारा टारगेट निकल गया है भारतीय एयरटेल में। तो कल भी हमें एक नई अपॉर्चुनिटी एयरटेल में देखने को मिल रही है, जिसको नजर में रखते हुए आपके सामने स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। गाइज जैसे कि अगर बात करें हम ट्रेंड व्यू की, तो इंटायर जो जनवरी क्लोजिंग था हमें डाउन ट्रेंड नजर आया स्टॉक में। फरवरी 1st से स्टार्ट हुआ इसमें बुल रन और दो दिन से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वैसे देखा जाएगा तो सभी स्टॉक में हमें सिमिलर व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी स्टॉक रिकवरी मोड पे आ गए हैं फरवरी 1st से आफ्टर बजट। लेकिन यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स को एज ए इंट्राडे कंसिडर कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। गाइज अगर बात करें इसके इंडिकेटर व्यू की नजर से भी स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो एज ए डिलीवरी 6 महीने से 12 महीने का माइंडसेट बना के किसी स्टॉक में पैसा डालना चाहते हैं, उनके लिए भी भारतीय एयरटेल जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है 609 का, अभी प्राइस चल रहा है 600 और 609 का हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंट है, तो टारगेट भी हम इस हिसाब से लेंगे। चलिए ले चलता हूं आपको सीधे इसके इंट्राडे सेटअप की ओर और देखेंगे कि कौन से गैप में और का स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें कल काम करना है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे भारतीय एयरटेल आपके सामने लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 600 चल रहा है, 7 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया है, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एज यूजुअल 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है। एज ए इंट्राडे यहाँ पे चर्चा हो रही है, जैसा कि मैंने चार्ट पे आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप डिलीवरी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स to 12 मंथ्स के माइंडसेट के साथ आप भारतीय एयरटेल को कंसीडर करिएगा अपने पोर्टफोलियो के लिए, अदरवाइज इसको अभी फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड इसकी अगर हम चर्चा करें तो गैप अप नियर टारगेट, अगेन सेम सिनेरियो, 607 के ऊपर अगर स्टॉक खुल जाता है तो ट्राई टू अवॉइड इट, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, जल सकते हो, क्योंकि कल का मार्केट जो है वो रिस्की लग रहा है, दो दिन से स्टॉक बूम हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टिल द टाइम ऑफ 11:30 के पहले पहले, या फिर उसके बाद जो है वो देखने को मिल सकती है। कोई यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन कोई नहीं कर पाएगा इस चीज को, लेकिन जितना पॉसिबिलिटीज हमसे होता है उतना आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय एयरटेल एंड L&T आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए कल के लिए, एज एन इंट्राडे आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है आपको, 4 से 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए का प्रॉफिट लेके जो है आप निकल सकते हो। ट्राई टू वर्क विद लिमिटेड क्वांटिटी, एज यूजुअल हम हमेशा बोलते हैं 50 से 100 क्वांटिटी के साथ काम करिएगा, ज्यादा क्वांटिटी लेना यानी कि आपके खुद का कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बातें हो जाएंगी, कि एक बार अगर आपने 1000 क्वांटिटी के साथ काम किया और उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगली बार से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना गिर जाएगा कि आप 50 से 100 क्वांटिटी में भी काम नहीं कर पाएंगे इंट्राडे में, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप अभी से 50 और 100 क्वांटिटी को लेके ही चले, मार्केट बहुत वोलेटाइल है गाइस, बहुत अच्छा मिल जाता है 50-100 क्वांटिटी में, और एक रात में हम करोड़पति नहीं बन सकते, इतना सोच के चलेगा। चले गाइस यहाँ पे दोनों स्टॉक होते हैं क्लियर, और उम्मीद करूंगा कि कल आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाए। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस अगर हमारी इंट्राडे सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले गाइस मिलते हैं इसी साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।